नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पृथ्वीराज वर्मा और आप देख रहे हैं सिंपल आयुर्वेदा। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया बिजनेस आइडिया लेकर। आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है डिटर्जेंट पाउडर का। दोस्तों, कितना भी बड़े से बड़ा बिजनेस हो, उसकी शुरुआत सबसे पहले छोटे से ही होती है। उसकी शुरुआत पहले फॉर्मुलेशन से होती है। उसकी शुरुआत पहले थोड़े से मटेरियल बनाकर, थोड़ा सा माल बनाकर उससे शुरुआत की जाती है। दोस्तों, आपने मार्केट में देखा होगा कि कंपनियों के बहुत महंगे महंगे यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर आते हैं और आजकल जो है डिटर्जेंट केक और डिटर्जेंट पाउडर दोनों सेम मात्रा के अंदर बिकते हैं। यानी साबुन और जो डिटर्जेंट पाउडर है, जिसको हम सर्फ भी बोलते हैं, वो दोनों मार्केट में आधे आधे बिकते हैं, क्योंकि आजकल वॉशिंग मशीन हर घर में उपलब्ध हो गया है। उसकी वजह से डिटर्जेंट पाउडर की डिमांड ज्यादा हो गई है। दोस्तों, आपने देखा होगा मार्केट में, आप कभी भी मशीन के लिए, मशीन वॉश के लिए डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको 100 रुपये किलो, 110 रुपये किलो या फिर 90 रुपये किलो इस प्रकार से मिलता है। आखिर में वो बनता कितने का है, उस पर मार्जिन कितना है और कंपनियां कितनी बड़ी कमाई करती है। दोस्तों, इनको बनाने में ज्यादा लागत नहीं आती है। कंपनियां इनका एडवर्टाइजमेंट करती है, फिर भी कंपनियां इनके ऊपर बहुत पैसे लगाकर भी बहुत पैसे, बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पर कमाती है। दोस्तों, इंडिया के मार्केट में डिटर्जेंट पाउडर का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आज हम इस बिजनेस को डिटेल से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको इसका फॉर्मुलेशन भी आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और ये कितने में पड़ता है और कितने में बिकता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा कि अगर आप महीने के 500 पैकेट बेच लेते हैं डिटर्जेंट पाउडर के 1 किलो के, यानी एक दिन के अंदर आप 20 पैकेट भी बेचते हैं, संडे की छुट्टी रखते हैं और महीने के 500 पैकेट आप अगर सेल आउट कर देते हैं, तो आप यहाँ पर 30,000 रुपये महीने के आसानी से कमा सकते हैं। ये कोई झूठ नहीं है दोस्तों, ये एक सच है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी मेहनत करते हैं, किस प्रकार से मार्केटिंग करते हैं। दोस्तों, तो डिटर्जेंट बनाने का जो खर्चा है टोटल, अगर अपने बेस्ट क्वालिटी के अंदर इसको लेकर चलें कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी बनाएं, तो ये 30 रुपये से 40 रुपये के बीच में हाईएस्ट क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर है वो बन जाता है। जैसे सर्फ एक्सल हो गया, निर्मा हो गया, गड़ी हो गया, आप कोई भी लेके चलो उस टाइप का आप डिटर्जेंट पाउडर है वो 40 रुपये तक बना सकते हैं। लेकिन आज जो हम डिटर्जेंट पाउडर बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं गड़ी के मुकाबले का। तो ये जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर होगा ये 30 रुपये किलो के अंदर बनेगा और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो मार्केट में 90 रुपये किलो है। इसके अलावा आप इसकी अगर होलसेल के अंदर मान के चलें तो 5-10% अगर मार्जिन आप काटते भी हैं तो 80 रुपये किलो ये बिकता है। फिर भी अगर आप इसको डिस्काउंट देकर, मार्केटिंग स्कीम डालकर, कुछ भी करके अगर आपको इसको 70 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये किलो भी बेचते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं डिटेल से इस बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, आज यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल आपको नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको प्रैक्टिकली वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं अगला वीडियो प्रैक्टिकली आपको बना दूंगा, रॉ मटेरियल मिला करके आपको मिक्स करके दिखा दूंगा कि कैसा हमारा डिटर्जेंट बनता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को। दोस्तों, आज हम डिटर्जेंट पाउडर का है वो 400 किलो का यहाँ पर बेंच बनाएंगे और हम इसका मटेरियल का रेट और मटेरियल का नाम हम आपको बताएंगे। उसके अलावा हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका मटेरियल का प्राइस, डिटेल्स और फॉर्मुलेशन डाल दूंगा। अगर आपको इसकी किट चाहिए तो वही 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, अलग अलग रेट की यहाँ पर हमारे पास किट उपलब्ध है। आप किट मंगवा कर घर पर डिटर्जेंट बनाकर देख सकते हैं। लेकिन ये डिटर्जेंट का काम शुरू करने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट यहाँ पर करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर बिना मिक्सर के बनाते हैं तो ये अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा, आपको यहाँ पर मिक्सर लगाना पड़ेगा जिसका कि प्राइस 50,000 रुपये के आसपास आता है। एक मिक्सर आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे आप छोटा खरीदो, बड़ा खरीदो या आप खुद बनवाओ, जैसे भी करके आप मैनुअल बनवाओ या ऑटोमेटिक बनवाओ, कोई भी बनवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मिक्सर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास जो भी जितने भी मटेरियल होंगे उनको मिक्स करने के लिए हमें मिक्सर की यहाँ पर जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं डिटेल से। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना होता है सोडा एस। सोडा एस हम लेंगे 50 kg। सोडा एस का काम होता है मेल काटना। सोडा एस लेंगे 50 किलो और 50 किलो का जो रेट है 40 रुपये किलो सोडा एस यहाँ मिलता है। तो सोडा एस का यहाँ 50 किलो का रेट हो गया 2,000 रुपये। उसके बाद में दोस्तों हम लेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट 30 किलो। सोडियम बाई कार्बोनेट होता है खारे पानी को मीठा करने के लिए। यानी हमारा जो डिटर्जेंट बनेगा, डिटर्जेंट पाउडर बनेगा, वो खारे पानी में भी अच्छा झाग दे, खारे पानी में भी अच्छा मेल काट ले, इसलिए हम इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट डालेंगे जो कि एक प्रकार का मीठा सोडा होता है।
तो ये हम इसमें 30 kg डालेंगे और इसका रेट है 30 रुपये किलो। तो यहाँ हम टोटल डाल रहे हैं 900 रुपये का मटेरियल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम डालेंगे सी बी एस एक्स हमें 1800 रुपये किलो मिलता है, जिसको कि हमें 150 ग्राम इसके अंदर ऐड करना है। ये होता है डिटर्जेंट पाउडर को वाइटनिंग देने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल यहाँ पर सी बी एक्स लगने वाला है वो 270 रुपये का यहाँ पर हमारा सी बी एक्स यहाँ पर हमारा लग जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर डालेंगे एसिड सलरी 40 किलो। तो एसिड सलरी का मार्केट में रेट है वो मिलता है हमें 120 रुपये किलो। तो 120 रुपये किलो इंटू 40 यहाँ पर हम करेंगे तो हमारा टोटल एसिड सलरी है वो 4800 रुपये का यहाँ पर एसिड सलरी हमारा लग जाएगा। 40 किलो एसिड सलरी यहाँ हमें डालना है। एसिड सलरी का काम होता है फोमिंग देना और हमारे प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, वो हमारे जो कपड़ों को है क्लीन करता है, मेल काटता है। उसके बाद में हम दोस्तों इसमें डालेंगे 5 किलो एओएस, जिसका मार्केट में प्राइस है 60 रुपये किलो। 300 रुपये का यहाँ पर एओएस डालेंगे। एओएस होता है फोमिंग के लिए, झाग बनता है। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 5 किलो एसएलईएस। एसएलईएस होता है झाग के लिए और फोमिंग के लिए होता है। ये आपको मार्केट में मिलेगा 70 रुपये किलो। तो यहाँ पर 5 किलो हम एसएलईएस डालेंगे तो यहाँ पर टोटल हमारा 350 रुपये का एसएलईएस डल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर साल्ट डालना होता है, इसके अंदर नमक डालना होता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 200 किलो नमक। नमक यहाँ पर इसलिए डाला जाता है ताकि इसका वेट बढ़े और इसकी कॉस्टिंग कम हो, इसलिए इसके अंदर नमक डाला जाता है। तो यहाँ पर हम 200 किलो नमक डालेंगे। तो नमक का यहाँ पर हम रेट लेकर चलते हैं 5 रुपये किलो। 5 रुपये किलो में आपको कहीं से भी आप इस नमक को परचेज कर सकते हैं। तो 200 किलो यहाँ पर नमक डालेंगे 5 रुपये के हिसाब से, तो हमारे 1000 रुपये यहाँ पर नमक पर लग गए। उसके बाद में दोस्तों डोलोमाइट पाउडर आता है, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे 75 किलो। 75 किलो डोलोमाइट पाउडर का जो रेट है वो हमारा 3 रुपये के हिसाब से यहाँ पर हो जाता है 225 रुपये। डोलोमाइट पाउडर आपको 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे डोलोमाइट पाउडर का रेट हो गया 225 रुपये। उसके बाद में दोस्तों इसमें हम परफ्यूम ऐड करेंगे 600 ml। तो परफ्यूम का जो मार्केट में रेट चल रहा है वो चल रहा है 1500 रुपये kg। तो 600 ml परफ्यूम का यहाँ पर हमारा रेट हो गया 900 रुपये। परफ्यूम होता है कि हमारे डिटर्जेंट पाउडर के अंदर थोड़ा फ्रेग्रेंस आए, थोड़ी खुशबू अच्छी आए, उसके लिए इसके अंदर परफ्यूम डाला जाता है। और जो इससे पहले हमने डोलोमाइट पाउडर डाला था वो इसलिए डाला जाता है ताकि इसका वेट बढ़े और इसकी कॉस्टिंग है वो कम हो जाए। और इसके बाद में दोस्तों आखिर में हमें डालना होता है इसके अंदर कलर स्पिकल, यानी कलर के जो छोटे छोटे दाने होते हैं डिटर्जेंट पाउडर के अंदर, आपने देखा होगा पीला, हरा, नीला, लाल, इस प्रकार के, तो वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो वो हमारे कलर के दाने हैं, हमें वो 9 रुपये किलो मिलते हैं। तो 1 kg हम 400 kg के बेंच के अंदर 1 kg कलर के दाने डालेंगे। उसके अलावा हमें इसके अंदर कुछ नहीं डालना होता है। अब पूरे मटेरियल को हमने मिक्सर के अंदर डाल लिया है और अब मिक्सर को हम 10 से 15 मिनट तक चलाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हमारा डिटर्जेंट रेडी है, उसको थोड़ा छानेंगे और पॉली के अंदर पैक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जो स्पिकल आप डालोगे, कलर बॉल जो मैंने बताया, कलर वाले दाने जो, वो आपको सबसे आखिर में डालना है, यानी कि डिटर्जेंट के छनने के बाद, बाहर निकलने के बाद, उसको थोड़ा सुखाने के बाद उसमें वो दाने डालने हैं ताकि उसका कलर है वो डिटर्जेंट के अंदर ना चढ़े। तो यहाँ पर टोटल हमने जो फॉर्मुलेशन है वो कर लिया है, हमारा डिटर्जेंट यहाँ पर रेडी हो जाता है पैक होने के लिए। तो अब दोस्तों हम इसकी कॉस्टिंग जोड़ते हैं। तो हमारा जो टोटल माल बना है यहाँ पर वो बना है 400 किलो और इसकी जो टोटल कॉस्टिंग आई है वो आई है 10,754 रुपये। तो यहाँ पर हम 10,800 रुपये मान लेते हैं। यहाँ पर हम ऐड करेंगे दोस्तों 200 रुपये इलेक्ट्रिसिटी के आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने 10 से 15 मिनट मिक्सर चलाया था। तो यहाँ पर 11,000 रुपये में हमारा 400 किलो का जो माल है वो रेडी हो गया है। तो इसकी अगर हम रेट लेके चले तो ये 2800 रुपये किलो में हमें ये माल यहाँ पर रेडी मिला है। हम इसके अंदर छोटी मोटी और लेबर वगैरह ऐड करके हम इसको 30 रुपये किलो यहाँ पर मान लेते हैं। तो अब दोस्तों इसको पैक कैसे करोगे आप? पैक करने के लिए आपको चाहिए पाउच। तो यहाँ पर आपको पाउच बनवाने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको पाउच प्रिंट करवाने पड़ेंगे अपने नाम से। अगर आप पाउच प्रिंट करवाओगे तो दोस्तों आपको 220 रुपये kg यहाँ पर जो है लोग आपको पाउच प्रिंट करके देंगे। तो इसके अंदर आप है वो छोटा 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 500 ग्राम का, 1 किलो का, 3 किलो का, 5 किलो का, इस प्रकार से पाउच आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। और उसके अंदर आप जो है अपना डिटर्जेंट पाउडर है वो फिल कर सकते हैं। और जो ये सीलिंग के लिए आप अगर कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो 10,000 रुपये की मशीन आती है, उससे वो पाउच आपका सील हो जाएगा और मार्केट में जाने के लिए वो रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर
टोटली जो अपनी कॉस्ट आती है 1 किलो के अंदर, अगर अपने पाउच में यहाँ पर 5 रुपये का हाईएस्ट मान के चलते हैं तो 35 रुपये में यहाँ पर आपका जो डिटर्जेंट पाउडर है वो रेडी हो जाता है। अगर आप मार्केटिंग का खर्चा निकालें, ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकालें या लेबर की कॉस्टिंग टोटल चीज़ यहाँ पर निकालते हैं तो 40 रुपये किलो में आपको यहाँ पर ये आराम से जो है रेडी हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों इसकी आती है सेल करने की बारी, तो आप मार्केट में इसका प्राइस रखिए 80 या 75 या 70 रुपये। यहाँ पर आप दुकानदार को दीजिए स्कीम अच्छे वाली कि आप हमारा 100 पैकेट एक महीने के अंदर बेचते हैं तो आपको ये स्कीम मिलेगी, ये LCD मिलेगी, ये TV मिलेगा, ये मोबाइल मिलेगा। इस प्रकार की स्कीम आप डाल करके अपना मार्केट जमा सकते हैं या आप मार्केट के अंदर कनोपी लगा सकते हैं। एक इस प्रकार की कंपनियां हैं, वो इस प्रकार की एक कनोपी बनवाती है, ब्रांडिंग बनवाती है अपनी, उसके अंदर एक लड़का बिठाती है या लड़की बिठाती है और उसके आगे अपने सारे प्रोडक्ट छोड़ देती है और जो छोटी पैकिंग होती है वो कस्टमर को फ्री के अंदर वहां पर दी जाती है। तो यहां पर कस्टमर को जो ये सबसे अच्छा तरीका है मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए, यहाँ पर जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा, अगर आपका प्रोडक्ट उसको अच्छा लगता है, उसको पसंद आता है, तो वो आपका प्रोडक्ट मार्केट से आके रिपीट मांगेगा। अगर मार्केट में 20 कस्टमर भी आपके आ गए और रिपीट उन्होंने ऑर्डर मांग लिया मार्केट से आके, तो हर दुकानदार आपका माल रखने को रेडी हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं आपका माल नहीं बेचूंगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसके बाद में आपको 1 साल कड़ी मेहनत करनी है दोस्तों, उसके बाद में ये प्रोडक्ट आपको बेचने नहीं जाना पड़ेगा, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली घर पे ही आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपकी फैक्ट्री में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे भी बेच सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं या फिर आप इसको ऑनलाइन भी प्रमोट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इस प्रकार से आप कोई भी प्रोडक्ट दोस्तों स्टार्ट करें, आप पहले अपने रिलेशन में जितने भी लोग हैं, देखो अगर कोई भी आदमी हो, वो चाहे कहीं भी रहता हो, उसके रिलेशन में कम से कम 100 घर होते हैं दोस्तों, उसके रिश्तेदार हो गए, उसके भाई बंधु जो भी हैं, 100 घर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे रिलेशन रखते हों। आप सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उन सभी जो लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 घर हैं, उनसे आप राय कीजिए कि आप कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, थोड़ी आपको राय मिलेगी। आप सबसे पहले जो वो लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वही प्रोडक्ट आप बनवाइए और वो प्रोडक्ट जो मार्केट से वो 100 रुपये किलो खरीद के लाते हैं आप उनको दीजिए 60 रुपये किलो में, तो वो यूज़ करेंगे, उसके अलावा फिर वो आपको प्रमोट करेंगे, वो अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करेंगे। अगर 100 घर भी आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट कर लिए अपने खुद के आराम से मार्केट करके पार्ट टाइम में, उसके बाद में अगर वो 100 घर आपके आगे 10-10 घरों को और प्रमोट करते हैं तो आपके 1000 घर यहाँ पर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये मार्केटिंग धीरे धीरे फैलता जाता है कि वो मेरे रिलेशन में है, उन्होंने फैक्ट्री घर पर डाली है, तो हम उनसे लेंगे, इकट्ठा माल लेंगे, हमें रेट में पड़ेगा, मार्केट से ये महंगा मिलता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको इसका प्रैक्टिकली वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट करें, मैं आपको आपके लिए इसका प्रैक्टिकली वीडियो बना दूंगा। और किट वगैरह फॉर्मुलेशन वगैरह लेने के लिए नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, कॉलिंग यहाँ पर अटेंड नहीं होती है, आप व्हाट्सअप पर हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।